नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल पीवी फैशन एंड स्ट्रेचिंग में, जहां मैं बात करती हूं फैशन, ब्यूटी एंड स्ट्रेचिंग की। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ अपने ब्लाउज डिजाइंस, जो कि मैंने खुद स्ट्रेच किए हुए हैं। मेरा पहला ब्लाउज़ ये मल्टी कलर का ब्लाउज़ है और ये काफ़ी थिन फैब्रिक है, जो विंटर के लिए काफ़ी यूज़फुल है। इसमें इसकी लेंथ मैंने 14 इंच रखी हुई है और इसकी स्लीव्स मैंने 3 और 4 रखी है। और इसकी स्लीव्स में मैंने ये डिज़ाइन दे रखी है, जो कि पहनने पे काफ़ी सुंदर लगती है, ये देखिए। और इसमें मैंने नेक एकदम छोटू सा रखा है। इसका नेक शेप विंटर के लिए काफ़ी यूज़फुल है, विंटर में ज़्यादा डीप नेक नहीं पहनने वाले होते हैं। और ये बैक साइड में मैंने इस तरह का ये देखिए शेप दे रखा है, और एक यहाँ पे ये हुक है, ताकि ये पहनने में आसानी रहे इसको पहनने में। और यहाँ पे इसी फैब्रिक की एक छोटी सी बो लगी हुई है, ये देखिए। और बैक साइड में मैंने इसकी फिटिंग के लिए ये प्लीट्स दे रखी हैं। और ये साइड में जिप है, ये बैक और फ्रंट ओपन नहीं है, साइड में इसके जिप है, ये देखिए। तो ये पहनने में काफ़ी इजी रहता है। फ्रंट साइड में मैंने ये देखिए प्रिंसेस कट दे रखा है, प्रिंसेस कट से फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। अगर आप भी अगर एक ब्लाउज़ बनवाना चाहती हैं प्रिंटेड फैब्रिक का, तो ये इस डिज़ाइन का बनवा सकती हैं। ये पहनने पे इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। मैं यहाँ पे पिक लगा दूँगी। मैं मोस्टली इसे ही कैरी करती हूँ अपनी ज़्यादातर साड़ियों के साथ। ये मेरा बहुत सी साड़ियों के साथ मिक्स एंड मैच हो जाता है। ये येलो साड़ी, रेड साड़ी, कई साड़ियों के साथ मिक्स एंड मैच हो जाता है, और मोस्टली ये मुझे बहुत पसंद भी है। मेरा सेकंड ब्लाउज़ ये सिल्क फैब्रिक का है। सिल्क फैब्रिक जो है काफ़ी थिन होता है, तो ये विंटर के लिए काफ़ी यूज़फुल है। और इस ये भी पूरा नेक इसका भी क्लोज है, एकदम छोटू सा नेक है, और इसकी स्लीव्स फुल हैं, एकदम फुल स्लीव्स, फुल लेंथ है इनकी स्लीव्स की, और ये पहनने पे काफ़ी सुंदर लगता है। अभी मैंने इसे ट्राई नहीं किया है, बट ये पहनने पे काफ़ी सुंदर लगता है। मैंने इसे भी किसी साड़ी के साथ ट्राई नहीं किया है। एक्चुअली ये मैं किसी साड़ी का नहीं है, मेरे पास ये फैब्रिक था, तो मैंने ये खास कर विंटर के लिए इसे डिज़ाइन किया हुआ है। और ये बैक साइड ओपन है, ये देखिए। और यहाँ पे मैंने ये पोटली बटन अटैच कर दिए हैं, जिससे इसका लुक और भी सुंदर आता है, एलिगेंट आता है पहनने पे। इसकी भी लेंथ मैंने 14 इंच रखी हुई है, इसकी भी लेंथ काफ़ी है विंटर के हिसाब से। अगर आप विंटर में साड़ी वेयर करती हैं फंक्शन या पार्टी में, तो आपके पास इस तरह का ब्लाउज होना ही चाहिए। एक आप इस तरह का ब्लाउज ज़रूर बनवाइए विंटर के लिए खास करके, और ये सुंदर भी काफ़ी लगता है पहनने पे। इसमें भी मैंने फ्रंट में ये देखिए प्रिंसेस कट दिया हुआ है फिटिंग के लिए। प्रिंसेस कट से बहुत अच्छी फिटिंग आती है, खासकर अगर आपका बैक साइड ओपन ब्लाउज है, तो प्रिंसेस कट में कट से फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और ये मेरा थर्ड ब्लाउज, ये देखिए, ये ब्लाउज़ मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। एक्चुअली ये नेट का फैब्रिक था, एम्ब्रॉयडरी वाला नेट, इस पे मैंने लाइनिंग अटैच की हुई है। और इसमें एक चीज़ ये अच्छी है कि मैंने इसकी स्लीव्स में भी लाइनिंग अटैच कर दी है, तो इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है, और ये विंटर में भी पहन सकते हैं। इसका भी नेक मैंने एकदम छोटू सा रखा है, एकदम गले में चिपका हुआ नेक है। और ये फ्रंट ओपन है, फ्रंट साइड में मैंने इसमें पोटली अटैच की हुई, इसकी एम्ब्रॉयडरी से मैच करती हुई पोटली ब्लैक कलर की, ये देखिए। इसकी लेंथ एक्चुअली मैंने 15 इंच रखी हुई है, इसे मुझे ब्लाउज़ और एज ए क्रॉप टॉप की तरह यूज़ करना था। ये मैंने
ब्लाउज अपने भाई की शादी में लहंगे के साथ कैरी किया था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। बैक साइड में मैंने यहाँ प्लीट्स दे रखी हैं फिटिंग के लिए, एंड फ्रंट में मैंने ये देखिए प्रिंसेस कट दिया हुआ है। मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूँगी, ये पहनने पे बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आपके पास ऐसा ही कोई नेट का फैब्रिक है तो आप इस तरह की डिजाइन उसमें क्रिएट करवा सकती हैं, काफ़ी सुंदर लगता है ये। आप चाहें तो इसमें स्लीव्स और इसकी लंबी करवा सकती हैं, इसकी लेंथ बढ़वा सकती हैं स्लीव्स की, बट मेरे पास इतना ही फैब्रिक था तो मैंने इसकी लेंथ इतनी ही रखी स्लीव्स की, और मुझे ये बहुत पसंद है पर्सनली। मेरा लास्ट ब्लाउज जो कि मेरा फेवरेट ब्लाउज है, मुझे बहुत पसंद है ये साड़ी भी, मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली। ये मेरी मुझे किसी ने गिफ्ट किया था तो ये मुझे बहुत बहुत पसंद है, और इस ये ब्लाउज़ इतना अच्छा लगता है पहनने पे, इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। इसकी स्लीव्स 3 और 4 हैं स्लीव्स इसकी, और इसकी लेंथ मैंने 15 इंच रखी हुई है, इसकी लेंथ मैंने काफ़ी लंबी रखी हुई है, और इसका नेक एकदम छोटा सा नेक है नेक शेप, और ये बैक साइड ओपन है ये देखिए, और इसमें ये मैंने ये देखिए ये जो गोल्डन बटन, इसी फैब्रिक के गोल्डन बटन मैंने इसमें अटैच करवाए हैं। ये बटन मैंने मार्केट से इसी फैब्रिक से बनवाए हुए हैं, ये मार्केट में शॉप पे बन जाते हैं आसानी से, आपको फैब्रिक देना पड़ता है, आप ऐसे बटन बनवा सकती हैं। और इन्हें मैंने बंद करने के लिए इस तरह के लूप लगाए हैं इसमें, ये देखिए, और इसमें एकदम बैक साइड में भी इसका नेक बहुत ही छोटा सा है, तो इस तरह से इसमें बहुत सारे बटन अटैच हुए हैं गोल्डन, तो इसका बैक साइड बहुत ही अच्छा आता है पहनने पे, इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। और बैक साइड में मैंने ये प्लीट्स दी हैं फिटिंग के लिए। फ्रंट साइड में इसमें ये पीकॉक वाली डिज़ाइन है गोल्डन, इसलिए मैंने इसका गला और छोटा सा रखा था ताकि ये डिज़ाइन मेरी ना निकले। और फिटिंग के लिए मैंने इसमें भी प्रिंसेस कट दे रखे हैं, ज़्यादातर मेरे ब्लाउज़ बैक साइड ओपन है तो सब में ज़्यादातर प्रिंसेस कट ही मैंने दे रखा, प्रिंसेस कट से फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। इसकी मैं पिक्चर लगा दूँगी, ये पहनने पे बहुत ही सुंदर लगता है, और ये साड़ी भी काफ़ी प्यारी लगती है, और ये कलर भी मेरा फेवरेट कलर है, ये देखिए। अगर आपके पास कोई सिल्क की साड़ी है और उसका ब्लाउज है तो आप ऐसा स्टिच करवा सकती हैं इस तरह का ब्लाउज, और ये पहनने पे काफ़ी सुंदर लगता है। आप इस तरह की एक डिज़ाइन ज़रूर बनवाइएगा, आपके पास ज़रूर होना चाहिए, खासकर विंटर के लिए। अगर आप विंटर में ऐसा ब्लाउज़ पहनती हैं तो आपको ठंड भी नहीं लगती है, और काफ़ी क्लासी लुक आता है इसको पहनने से, ये देखिए। अगर आप चाहें तो इसे फ्रंट में भी ऐसे बटन ऐड करवा सकती हैं अपने टेलर से, फ्रंट में भी ये काफ़ी अच्छा लगेगा और इसका लुक काफ़ी अच्छा आएगा, मगर फ्रंट साइड में ये इतना दिखेगा नहीं, पल्लू से ये ढक जाएगा, तो बैक साइड में ये पूरा दिखेगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। ये मेरा आज का फेवरेट ब्लाउज़ है, मुझे बहुत पसंद है। और कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आपको कौन सा ब्लाउज़ सबसे ज़्यादा पसंद आया, और मेरी ऐसी ही और वीडियोज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे पास अभी और बहुत सारा फैब्रिक रखा हुआ है तो मैं उनसे कुछ ना कुछ क्रिएट करती रहती हूँ, डिजाइंस बनाती रहती हूँ, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और मेरी और वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, मेरी और वीडियोस देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थैंक फॉर वॉचिंग माई चैनल।